अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वाले भरावो की हाल चाल है? ठीक हो? अल्लाह ताला दे नाल उम्मीद है कि अल्लाह ताला दी रहमत दे नाल ते अल्लाह ताला दे फजल दे नाल तुसी सारे अपनी फैमिली दे नाल, अपने बच्चे दे नाल, अपने रिश्तेदारों दे नाल, अपने अजीजों दे नाल खुश हो। सो ते दिली दुआ है अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच कि अल्लाह ताला मेरे सारे भरावों नू, मेरे रिश्तेदारों नू, मेरे पड़ोसियों नू, मेरे मुल्क पाकिस्तान दे रहण वाले, चाहे वो किसी मज़हब ना तलक रखते, किसी बिरादरी नाल, किसी मुआशरे नाल, अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान ही रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं हाँ मुहम्मद आरिफ, तुसी वेखदे पे हो मेरा चैनल पाकिस्तान हमारा है। पंजाबी दे विच वीडियो बनावण दा इक्को ही मकसद है कि गल सारे बिरां नूं समझ आवे, सारे बजुर्गों नूं, सारे दोस्तों नूं समझ आवे। क्योंकि पहले मैं वीडियो बनाना उर्दू दे विच, ते कल एक मेरे बिरा की फरमाइश आई, मेरी बच्चे कॉल आ गई, जिस तो वीडियो मैं रोकनी पई। ते मैं गल की कहा, हाँ पंजाबी भी वीडियो बनाने का मकसद यह है कि कल एक मेरे बड़े पुराने वीर, मेरे पुराने बिरा बचपन का बेली, उस वीडियो की थी कि उस मैं मैसेज किया, उस आख्या एक तो वीडियो बनाई करो पंजाबी। ते होंगी तो मेरी अगे भी पंजाबी है, एडी मैचोर उर्दू तो कोई नहीं, लेकिन अज चलो जिहड़ा पंजाबी कल्चर है, साडा साडी मां बोली जबान है, वह भी जिंदा हो जाएगी, तो वो याद भी हो जाएगी। तो उस आख्या सारे समझ आवे, कई साढ़े बिरा ऐसे जिन्हें डेर उर्दू की समझ नहीं आती, लेकिन मैं नहीं मनता, क्योंकि अजकल के दौर जिहड़ा भाई है, जिहड़ा भी पुराना है, मेरे ख्याल 45-50 साल वाले तो उर्दू की समझ आती है और बोल ही लैंदा। लेकिन चलो मैं उस बिरा का दिल रखने वास्ते पंजाबी गल कर रहा। तो उस आख्या कल्चर की गल की करो कि जो सा अगे कल्चर आई, तो हूँ कल्चर वो चेंजिंग की आई है, चेंजिंग बड़ी आई है। मैं अगले दिन गया स्कूल, मेरी क्लास आई लसेंस की, कार दे लसेंस की मेरी क्लास आई, तो उत्ते को तकरीबन हाल के 15-16 उस्ताद बैठे हैं, इंस्ट्रक्टर जेडे कार चलावनी सिखाइंदे। तो मैं उन्होंने वालू वेख्या ना, तो 14-15 जितने ही आना ना, वो नैट चला रहे हैं, कोई किसी तो ना ही पूछ रहा कि हाल है या खैर है या की दुआया है, की करना है, मतलब है कोई हाल वेला नहीं। मैं अफसोस भी होया, तो हैरानगी भी हुई। अफसोस इस गल का होया कि असी कि पास टुर पे, अगर इन्हें हथ में कुरान पाक होंदा, साडा मुआशरा भी सुलझे, साड़ी नस्ल भी सुलझे, साडे मुल्क पाकिस्तान अमन कायम हो। तो हैरानी इस गल की हुई कि 14-15 जिंदा लोग बैठे, कोई किसी नाल गल नहीं कर रहा, हालांकि आज तो तुसी 20 साल पीछे चले जाओ, एक दूसरे की दी बहन दी बहन समझा जाता है, किसी की इज्जत में इज्जत समझा जाता है, बजुर्गों का एहतराम, छोटियां नू शफकत नाल पेश आना, अजकल वो ट्रेंड खत्म हो रहा है। तो असी इस ट्रेंड नू उजागर करना, असा ट्रेंड खत्म नहीं करना, बल्कि अस अज तो ही अपने वाढ़ी गुवाढ़ी, कोई बीमार है, कोई अम्मा है, कोई बुढ़ा है, बजुर्ग हैं जेड़े, उन्होंने अदब करना। तो असं इस कल्चर में छड़ना नहीं, क्योंकि असं पाकिस्तानी पहचान भी इस कल्चर से जाने। मैं जा रहा हूँ मैट्रो ट्रेन के अपने भाई को मिलने, मेरा छोटा भाई इतने दुबई च होंगे, तो एक कैनेडियन मन लगता ही कैनेडियन बनता ही, तो उम्र वो काफ़ी है लेकिन फिट आई, तो मैं वो वास्ते सीट छड़ दी। तो सारी ट्रेन के जेडे 8-10 बंदे मेरे करीब खड़े हैं, मेरे वाल वेखन लग गए, तो बजाय इसके कि मैं एप्रीशिएट कर दे, तो वह मैंने आने तू क्यों छड़ी सीट, मैं आख्या भाई मैं पाकिस्तानी है, तो मेरे कल्चर का हिस्सा है और मेरे माँ प्यो की मैं तरबीयत है कि बजुर्गों का एहतराम करना है। उस नहीं कि जरूरी है कि मुसलमान ही हो, हर मज़हब का बजुर्ग, हर मज़हब की माँ, उसका एहतराम साढ़े तो लाजम। तो अज का यह पैगाम सी, अगर तुहानू मेरा पैगाम पसंद आवे, वीडियो में शेयर करना है, लाइक करना है, तो अगर चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल में सबसक्राइब करना, तो बैल आइकॉन के बटन पर प्रेस करना है। इस दुआ के नाल अल्लाह ताला साडे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान जिंदाबाद।